जांजगीर चांपा दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल सक्ती को आज सौगात देंगे। 226 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे आज सीएम भूपेश बघेल। 11 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम और 19 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। बता दें 20 लाख की लागत से शासकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण भी हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए शेड निर्माण का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल और 2 यूनिट वर्कशेड, स्ट्रॉन्ग रूम और दारग एनिकट का लोकार्पण भी किया जाएगा। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, सीएम भूपेश बघेल का सक्ती जिले का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो रवाना होंगे? बिल्कुल ऋषा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के जो दौरे पर रहने वाले हैं, तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना होंगे और करीबन 12 बजे वे जांजगीर चांपा जिले के जो है तमाम जगहों पर जो है वो उनका कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान वे करोड़ों रुपये की जो है वहाँ पर जनता को सौगात भी दे सकते हैं और कई लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई शासकीय भवनों का लोकार्पण, इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की सौगात जो है जांजगीर चांपा जिले की जनता को देने वाले हैं आज। जी, विकास कार्यों की सौगात देंगे तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, किसकी को ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रारंभिक जानकारी सामने आई है इसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के कई शासकीय भवनों का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है करीब करीब 3 से 4 भवनों का भी जो है लोकार्पण करेंगे वहाँ पर। इस दौरान करीब करीब 11 करोड़ से अधिक के राशि का विकास कार्यों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए करीब करीब 11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे, सक्ती जिले को आज सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। शिवम, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे।